वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है और आपको दिखा दे कि आपको दिखा दे कि क्या मामला है। मामला जो है किसी लड़की को लेकर है, बहू को लेकर है। आराम से बात करें, आराम से कहानी, आराम से बात करें भाई साहब, आराम से। हम बुढ़ा आदमी कहाँ कहाँ जाऊँ, कोई बात नहीं, रुकिए हम चलते हैं। क्या मामला है? रुकिए बोलिए, हमारी लड़की, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, हमारी लड़की है जी, ठीक है जी। सर एक मिनट, यहाँ पे माहौल खराब हो जाएगा, यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा। नहीं जी, झगड़ा नहीं होगा, नहीं झगड़ा नहीं, इनका घर का प्लेस है झगड़ा। हम लड़ने नहीं आया सर, आप मामला बताओ क्या है। ये है जी सर, मेरा नाम सतेंद्र गुप्ता है सर, मेरी बहन है सर, 14 साल हो गए सर शादी को। मेरी बहन को दो साल से इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। मेरी बहन किराए पर रहती है, ना तो कोई खर्चा पानी ना कुछ, अपने लड़के को बुलाते नहीं है, गायब करा रखा है। और लड़का इनसे मिलने आता है, लेकिन मेरी बहन को ना आता है ना मिलने, कोर्ट में पेशी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। मेरी सर बहन हुए, ये तो मेरी बहन को अंदर नहीं घुसने दे रही है ये, और ऊपर से मार रही है, धक्का मार रही है। बहन मेरी वो बैठी है सर। फरीदाबाद आपको दिखा दे कि महिला है जो घर के बाहर है। ऐसा ही मामला कल हमने आपको मेवला महाराजपुर से दिखाया था, आपको दिखा दे। ये लड़की खड़े जी, एक सेकंड, क्या नाम क्या? मेरा नाम मंजू देवी है। ये लोग मुझे मारते हैं, टॉर्चर देते हैं, और मेरे को घर से बाहर अंदर घुसने नहीं दे रहे, मेरे को बाहर निकाल दे। लड़का यहीं रहता है, ये लोग भगा दिए। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 14 साल हो गए। बच्चे भी हैं आपके? ये लड़की 13 साल का, ये लड़का कैसा? लड़के को कहता मैं रखूंगा, लड़के को नहीं रखूंगा। लड़की कहाँ जाएगी? ये लड़की कहाँ जाएगी? लड़की को नहीं रखेंगे क्यों? लड़की इनकी नहीं है क्या? लड़की कहीं और से आई है, जैसे लड़का को रख रहे लड़के को भी रखो। और ये क्या, आप दरवाजा नहीं खोल रहे क्या? ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे। फरीदाबाद आपको दिखा दे कि महिला घर के बाहर है। ऐसा ही मामला हमने कल आपको मेवला महाराजपुर से दिखाया था, मेवला महाराजपुर से दिखाया था कि बहू को घर से बाहर निकाल दिया था और दरवाजे बंद कर दिए थे। ठीक वैसा ही मामला आज यहाँ पर है, मेवला महाराजपुर में से दिखाया था, और आज ऐसा ही मामला, ठीक बहू घर के बाहर है। मुझे इंसाफ चाहिए बस, मैं नहीं जानती, ये गरीब के पास सुनते ही नहीं है। पुलिस चौकी में जाते जाते थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। थाने आए हैं लेकिन चौकी थाने से कोई मामला सॉल्व नहीं हुआ। हमें ही धमकाया जाता है, हमें ही सब कुछ किया जाता है, चौकी बार में कम से कम 20-25 बार हमने कंप्लेंट करी, इसका कोई वो नहीं है। हम महिला थाने गए, महिला थाने वाले ने भी हमें ये कहा कि आप जाओ वहाँ पे धरना दो बैठो। इन्होंने पुलिस सारी पुलिस बुला ली है, और ये पुलिस भी हमें ही धमका रही है। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर है, यहाँ पर ईवीआर मौके पर है, और पुलिस के मुलाजिम जो है यहाँ पर खड़े हैं, मगर आप देख सकते हैं कि घर के दरवाजे बंद है और बहू जो है वो घर से बाहर है। आपको दिखा दे कि कब से आपको बाहर कर रखा है? मेरे को ये 3-4 साल हो गए बाहर हुए, आज मैं आई हूँ। जब मेरा आदमी यहाँ पे आ रहा रह रहा है, मेरे को घुसने नहीं दे रहे, 3-4 साल हुए किराए। ये मकान आपका है या किराए पे रह रहे हैं? ये मेरा अपना मकान है, सास ससुर का। सास ससुर का मकान है, तो सास ससुर भी है आपके? हाँ सास ससुर भी है, ये रहे सास ससुर, अंदर सास है, ये बैठी गेट नहीं खोल रही है। क्या काम करते, क्या है आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड पैकिंग मशीन बनने आता है, मशीन बनाता है बढ़िया, कहता है कि तेरा आदमी कमाता नहीं है। मेरा आदमी कमाता है तो तू रखी क्यों? उसी वक्त भगा देती, अब इनकी आगे खुल रही है मेरा। फरीदाबाद आपको दिखा दे बच्चों के साथ एक महिला जो है वो घर से बाहर है, और घर वाले जो है, सास ससुर हैं या हस्बैंड की बात करें, पति हैं, वो घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। मेरे पापा ने 10 लाख रुपए दिए प्लाट बेच के, 100 गज का प्लाट लिए थे, 10 लाख रुपए दिए, मैंने इस घर में पैसे लगाए हूँ। मेरा आदमी कह रहा है आपके फादर हैं ये? हाँ जी, इनसे बात करेंगे जी। हाँ जी, मेरी लड़की है आज 15 साल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवमणि प्रसाद है। कहाँ रहते हैं? मैं संजय कॉलोनी में रहता था किराए पर, अब नाम मकान बना लिया हूँ मैं, अब वहाँ रह रहा हूँ जी। और मेरी लड़की को आज ये 2 साल से तंग कर रहे हैं जी, खाना नहीं दे रहे हैं। पहले खाना भी देते थे, कुछ भी करते थे, अब खाना भी नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे लड़के को हम वो कर दिया, हम बेदखल कर दिया हूँ, लड़के को बेदखल कर दिया हूँ जी। और ये कहते हैं कि हमारा कोर्ट से अब कागज चल रहा है, कोर्ट से कागज बनवा रहे हैं। डिवोर्स के पेपर और लड़का थाने में नहीं आ रहा, लड़का थाने में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा थाने में? हमने जनवरी 4 जनवरी को हमने कंप्लेंट करी हमने थाने में, तो लड़का जनवरी तक नहीं आया, 3 बार कंप्लेंट आगे नहीं आया लड़का, और लड़का फरवरी में 4 तारीख को जाकर कंप्लेंट करवा के आया। मैं कहा लड़का मिला इसको घर में पता, तभी लड़का को पता है घर में क्या आया कि कंप्लेंट कैसे होगी, मेरी कंप्लेंट किस नाम से? बाप बेटे सब तीनों मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। मेरी बहन देखो 8 महीने मकान मालिक हो गए, किराया पूछ का 8 मालिक मकान मालिक ताल लगा दिया, मकान मालिक ताल लगा रखा, हम कहाँ से जाए, कहाँ तक खर्चा लाएंगे हम लोग? हमारे पे इतना पैसा नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, हमारा इंसाफ किया जाए। ऐसे हर बेटी के साथ ऐसा होगा तो इंसाफ कैसा होगा? हर बेटी ऐसी होती रहेगी, ऐसे इंसाफ होगा? हमारे साथ इंसाफ हो जाए,
फरीदाबाद बता दे आपको कि ये जो है बहू है यहाँ घर के बाहर है, पड़ोसी अड़ोसी आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाशबीन है, कहीं जो है वो इनके परिवार की सुनवाई नहीं हो रही। बेटा क्या बात है, आपको अंदर नहीं आने दे रहे घर में? मेरे अम्मा बाबा में मार के भगाते और बोलते हैं कि ना तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारे पापा को छुपा देते जब हम मिलने आते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे और हमें किराए पे भिजवा दिया है। मकान मालिक आंटी कहती है कि हमारा किराया दो, हमारी मम्मी कमाती है तो ये लोग हमारी मम्मी को कमाने नहीं देते और हमें ले जाते हैं मेरे भाई को और हम मेरी मम्मी को टॉर्चर देते हैं कि ना अगर तू मेरी मम्मी का एक्सीडेंट भी करवाए थे, मेरी मम्मी का जिसमें हाथ टूट गया था। आप पढ़ते हो क्या? हाँ मैं सर। कौन सी क्लास में पढ़ते? मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती हूँ सरकारी स्कूल। तो आपके पापा नहीं बोलते कि अंदर आ जाओ या पापा इनसे नहीं कहते? मेरे पापा नहीं कहते हैं कुछ भी नहीं, मेरे पापा को छुपा के रखते हैं ये। पापा को छुपा के रखते हैं? फोन हम बिलाते हैं तो स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि पापा से मिलने नहीं दिया जाता है और जब ये फोन करते हैं तो फोन भी जो बंद कर दिया जाता है। और अभी क्या पति घर पे हैं आपके? क्या पति घर पे नहीं है, उन्होंने भगा दिया मेरे आने से पहले। आपके आने से पहले? हाँ। भगा दिया। फरीदाबाद आपको बता दें यहाँ पर जो है तमाम लोग हैं, पुलिस मौजूद है और आप देख सकते हैं कि परिवारजन जो है, महिला के भाई हैं, पिताजी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद है। मगर आप घर देख सकते हैं कि दरवाजा बंद है। ठीक ऐसा ही मामला कल मेवला महाराजपुर से हमने दिखाया था आपको, ऐसे ही परिवार की बहू को जो है घर से बाहर निकाल दिया था और दरवाजा बंद कर दिया था। आज ठीक वैसा ही मामला है सामने हमारे सामने जो है। क्या नाम बताया था आपने? मंजू जी हैं सामने और दरवाजा देखें आप बंद है। ठीक है, हाँ पापा भी हैं, भाई भी हैं। ठीक ठीक है भाई, लड़ाई झगड़े का सार हम नहीं होने देंगे यहाँ पे, इनका पहले ही केस चल रहा है ऑलरेडी। हम पूरी तफ्तीश करके जो कुछ सामने आएगा उसमें क्लियर कर दे। नहीं तो ये दरवाजा नहीं, क्या बात है? दरवाजा हमें एक बार क्लियर कर लेने दो, बात क्या है, मसला क्या है? ये बता रहे हैं कि पीछे कई बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन वो तो हम तस्दीक करेंगे ना, कहाँ पे इनका केस चल रहा है, इनका वुमन थाने में बता रहे हैं, कोर्ट में भी इनका बता रहे हैं, तो एक बार तस्दीक उसी में सामने हो पाएगा सच्चाई क्या है। लेकिन यहाँ पे अशांति नहीं फैलने देंगे। चलिए आलो भाई सर, ठीक है। क्यों नहीं तस्दीक हो रही थी सर? हम गरीब आदमी सर कहाँ जाएंगे बताओ, हमें धमकाया जाता है पुलिस थाने में जाके और ये लोग पैसा खिला देते हैं। पुलिस आपके साथ है भाई साहब, कोई चिंता ना करे, पुलिस आपके साथ है। आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, झगड़ा नहीं कर। हाँ आपको बता दे कि पुलिस मौके पर है और परिवार के जो है लड़की के पिताजी और भाई को जो पुलिस है यहाँ ले जा रही है। आपको बता दे कि लड़की के भाई और पिताजी को पुलिस ले जा रही है साथ मामले की तफ्तीश का हवाला देकर। और आपको दिखा दे कि परिवार जो लड़के ससुराल पक्ष है वो दरवाजा बंद किए हुए है, घर के अंदर बहू को नहीं आने दे रहे हैं। आपको दिखा दे कि पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हुए है, कोई भी अशांति जो है यहाँ पर ना फैले, इसलिए जो है लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, इलाके से थोड़ा दूर हो जाए। आप बुलाना चाहते हैं? पुलिस चौकी में कितने बार कंप्लेंट करी, पूछो वहाँ दरखास्त पड़ी है। कंट्रोल रूम से है और आपके साथ में बातें वो जनता। राजीव सर भी है वो अगर लड़के को तो यहाँ से पकड़ के हम केस किस पे करें? शांति का हाँ हो जाएगा सारे काम होंगे, लेकिन ऐसे नहीं हो। हम समझ रहे आपको बता दे कि अशोक कुमार जी हैं, ASI है, EVR से हैं, यहाँ पर जो है शांति माहौल बनाने के लिए पहुँचे हैं। जाएगी कि नहीं जाएगी? आज हम कमाने के लिए निकलेंगे सर। देखो सर बात में सुनो, झगड़ा नहीं करना बस। जाएगी कि नहीं जाएगी, दोनों फूलों की इज्जत है। आपको बता दे कि ये दो बच्चे हैं इनके और घर के बाहर खड़े हैं जी। आपकी माता जी हैं? हाँ, ये हमारी माता जी है। जी हम बात करेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो भाई लड़की के रख ले अपना घर में, बस हमें यही बात, खर्चा दे चाहे ना दे अपने लड़की के अपने प्लाट में रख ले। लड़की का जो घर होता है ससुराल जो होता है वहाँ पे उनको रख ले, चाहे जिस हालात में भी हो,
चाहे खाने को दें कि ना दें, हाँ हाँ उनका पति आएगा ना, आएगा जब लड़की रहेगी लड़का रहेगा तो कम से कम खाएगी कमाएगी, उनका पति भी आएगा। बता रहे हैं कि लड़की का जो पति है वो अच्छा कमाता है। हाँ अच्छा कमाता है पैसा, भाई ऐसा खाएगी करेगी रहेगी, भाई लड़का अपना घर में रहेगा नाती पोता रहिए सर अपना कमाएगी खाएगी आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो जमीन तो है उसके हक दो लड़का के, पोता का हक है ना, है ना हक जी। हाँ, लड़के को हाँ, हाँ, करें। ये बहू कहाँ जाएगी? आपको बता दे कि जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि दोनों भाइयों में होगी कि नहीं लड़ाई, जब जीते जी तो फैसला नहीं कर रहे तो मरने के बाद कौन फैसला करता है, कोई करता है? जीते जी लड़ाई हो जाती है दोनों भाइयों में, दुश्मनी ये दुश्मनी पैदा करने वाली है घर में, जब माँ सही होती है ना तो फैसला करती है। तो हक देवे बिल्कुल जैसा कि बताया जाता है कि लड़की का जो घर होता है ससुराल होता है डोली वहाँ पे आती है तो अर्थी भी वहीं से उठी जाती है। फरीदाबाद आपको बता दे कि डोली अगर जहाँ आती है वहीं से ही जो है उसकी अर्थी उठना जो है जैसा कि यहाँ कहा जाता है। आपको दिखा दे कि पुलिस ये कौन है लेडी जिनको ले जा रहे हैं पुलिस, कौन है ये? ये दलाल खाती है इनके ओर से रहती है, दलाल खाती है, जहाँ पे लेडीज पुलिस के जाते हैं तो चल जाती है वहाँ दलाल खाए खाती। कौन है ये लेडीज? एनजीओ से हैं। एनजीओ से किसी, क्या नाम है इनका? नाम नहीं बताया इन्होंने, ये बता रहे हैं उनके साइड से एनजीओ से बता रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि लड़के वाले की तरफ से, एनजीओ से लड़के वाले की तरफ से। एक बार बात करते हैं, आओ मैडम एक मिनट, क्या मामला है थोड़ा सा आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं एनजीओ से हूँ। कौन सी एनजीओ से है? राधिका बहल क्राइम कंट्रोल से। एक्चुअली बात क्या हुई थी, ये काफी दिनों से साथ में रह रहे थे, अब ये 4 साल से अलग हैं। अब बात 4-5 साल से अलग है, रेंट पे अच्छे से रहती थी। इन्होंने अपने पति से जो मारपीट करी जो भी करी XYZ हमें नहीं लेना, इनका आपसी मैटर है। हाँ जी बताइए सर। ये पड़ोसी फादर है ना, जो लड़की का फादर है, मेरे दोस्त के पास जॉब करता है। कहाँ जी? अच्छा, लड़की का पापा, ठीक है। और सारे के सारे आए थे 20 दिन बाद जूता बजाने, बढ़िया वाली। मैंने सबको यहाँ बिठा के चाय पानी पिला, वो मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि तुम यार अंकल को समझा लो, अंकल को समझो, लड़की की घर नहीं बसेगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा जी, सीधी सी बात है। आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो क्या हुआ कि अब इनका केस चल रहा है काफी दिनों से, तो ये एक साथ रहते थे लड़की, इन्होंने काफी कोशिश करी कि भाई कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बेटे का घर बिगड़े। पोता पोती सबको अच्छे लगते हैं, बच्चे किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन पोता पोती जो होते हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं। ब्याज मूल से ब्याज पसंद होती है। मैं भी एक घर की बहू हूँ, मैं 16 साल हो गए मुझे, रहन सहन देख लो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं एनजीओ से भी, मैं जॉब भी करती हूँ, मुझे कोई रोक टोक भी नहीं है। कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे का घर बिगाड़ने जाएंगे? कौन घर बिगाड़ना चाहेंगे? पहली बात, अगर इनका आपसी मैटर था तो ये आपस में निपटाते, माँ पे हाथ उठाने का कोई मैटर नहीं, बाप पे। आपने एज देखी होगी 60+ हैं दोनों, इनको तो वैसे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप सर के ये फ्रेस्टेज में किया है, एक सेकंड मेरे को कोई जी ना तो लड़के। सुनो सर, ये अपनी माँ पे हाथ उठा सकते हैं? गलत। तो फिर ऐसा क्यों? इन्होंने अपनी सास ससुर दोनों मारे, ठीक है, इन्होंने 50 बार चौकी में जाके देखिए, कम से कम 50 तो कंप्लेंट है इनकी, लेकिन इनको फिर भी इनके माँ बाप ने रखने की कोशिश करी। आखिरकार जब इनका घर नहीं बसा तो इन्होंने ये कहा कि हम जी सीनियर सिटीजन हैं, ये महिला थाने में गए, इन्होंने हेल्प मांगी जी हमारे घर पे आके, ये 4-5 लोग रोज तीसरे चौथे दिन आ जाते हैं। जब लड़के का इनको ही नहीं पता है तो ये बताएंगे कहां से? आप कॉल डिटेल चेक करवाइए, मैं गारंटी ले सकती हूं इस चीज की कि इनको नहीं पता इनका लड़का कहां है। ये खुद में से कह रहे हैं, आरती मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा कहां है, मुझे ही नहीं पता। तो क्या लड़का बेटा अभी नहीं है यहाँ पर? यहाँ नहीं है, बाहर जॉब करता है कहीं। अब ये बताओ, ये कह रहे हैं लड़का लेके आए, अब ये लड़का कहाँ से लेके आए? वो तो अपनी बीवी से परेशान होके यहाँ से गया हुआ है ना, इसमें इसके माँ बाप क्या कर सकते हैं? अकेले रहते हैं, कोई बनाने खाने वाला नहीं। अंकल जी को पैरालिसिस हो चुका है, वो दमे की मरीज है, कल को उनको कुछ हो जाए, उनका जोड़ा बिछड़ जाए तो ये आके देंगे कुछ? ये आए दिन आके उनके घर पे कलेश करते हैं। वो जवान है, आप उनकी कंपेयर उनसे मत कीजिए। और कोई पति, कोई भी पति अपनी पत्नी को मजाक में नहीं छोड़ना चाहता कभी भी। एक तरफ मैं
आप घर में रहे हो इनके साथ, आप भाई हो इनके घर रहे हो, आप एनजीओ से हैं तो आप दोनों पक्ष के देखेंगे। आप एक पक्ष के देख रही हूँ, 14 साल शादी को हो गए, 14 साल हो गए शादी को इनकी, इन्होंने खुद इस चीज को बताया। मैं तो खैर इनको अभी बचपन से जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से बाहर थी, मेरे हस्बैंड अभी बाहर थे तो मैं अभी बाहर थी। अब इनका ये बता रहे हैं कि 14 साल से इनका, मतलब 4 साल से इनका कुछ केस ऐसा चल रहा है जो इनमें लड़ाई अनबन चल रही है, ठीक है, लेकिन इससे हमें मैटर नहीं करता ना। तुम घर वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? आप उनको ढूंढो ना जो दोषी है, भैया को ढूंढो आप, हमने मना तो नहीं किया। आप उनके घर पे एनजीओ की तरफ से, अब आपका क्या रोल है इस पूरे प्रक्रम में? रोल नहीं है, मैं एक इंसानियत के नाते, आंटी मेरी बीमार रहती हैं, मैं एनजीओ भी नहीं मानती कि मैं एनजीओ की तरफ से हूँ, मैं एक इंसानियत के लिए। आंटी का कॉल आया था मेरे पास, आंटी का कॉल आया था कि मैं परेशान हूँ मैं, और वो घबरा रही हैं, जाके देखो उनका बीपी भी अभी इस टाइम बंद है, कोई खोल नहीं रहे, बीपी इनका इतना हाई है क्योंकि वो दमे की मरीज है। कल को उनको कोई दिक्कत होगी हम तो जी इनका नाम लगाएंगे, साफ सीधी सी बात है। अगर उनको कोई कुछ हो गया, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, या आप कानून का दरवाजा, कानून किस लिए बनाया गया है, कानून किस लिए बनाया गया है? आपको अगर है तो आप महिला थाने गए थे, अगर महिला थाने में आपकी कोई चीज साबित होती तो महिला थाना अपने आप ही ढूंढता, ठीक है। आप वहाँ गए हो, आप घर पे आके रोल क्या है कि आप लड़ाई झगड़ा करें? आप किसी के घर में पत्थर नहीं फेंक सकते, आप किसी को मान नहीं सकते हो, कानून हाथ में कोई भी नहीं ले सकता, कानून इजाजत नहीं देता इस चीज की। घर से सुबह से उस औरत ने, घर में 60 साल की औरत है, उसने कुछ नहीं खाया, आप घर में आके कलेश कर रहे हैं तो क्या होगा उसका? ऐसे क्या अपने लड़के के साथ? अब आप क्या, आपको चौकी बुलाया है क्या? हाँ जी, यहाँ से चौकी लेके आए गए सेक्टर 23 गौची वाली जो चौकी है, हम वहाँ जा रहे हैं। अब देखो वहाँ क्या होता है, बस मैं तो इनसे निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के यही, अगर ये समझ जाते हैं यहाँ कुछ नहीं मिलेगा इनको, वो ताला नहीं खोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लड़ाई करके फिर चले जाएंगे। आपसे आप समझदार हैं, आप अगर कानून से लड़ते हैं तो कानून से ही लड़िए, कानून से बड़ा ना तो था कोई, ना है, ना कभी होगा जी। आप यहाँ कलेश करके कोई फायदा नहीं है। देखो मैं, हाँ बिल्कुल, देखो मैं बताती हूँ, मैं ये नहीं मना कर दी कि आप उनके, मैं, मेरे को नहीं पता उनका कोई रोल। मेरे को जो फोन आया है वो आंटी का आया है कि बेटा मैं दुखी हूँ, मैं जॉब पे जाऊँ। आप आंटी से ये नहीं कहेंगे कि दरवाजा खोल दो और बहू को? सुनो सुनो सुनो, आंटी कैसे रख लें, क्या ये आप गारंटी दोगे मुझे माइक में वो बोल के दिखाए जो जो ये कह रहा है कि हाँ उसकी बहू जिंदगी भर उसको हाथ नहीं लगाएगी और अच्छे से बहू की तरह रहेगी? आवाज नहीं किया कोई, पुलिस पिछली बार भी यही कहा, मोहल्ले का नागरिक तो क्यों? आप तो खड़े खड़े ऐसे डिसीजन ले रहे हो जैसे कोई प्रधानमंत्री हो आप। देखिए एक मुद्दा पड़ोसी को भी लेके बनता है, पड़ोस में बैठ के किसी सामाजिक चीज की बात है मैम, ये गलत है। पड़ोस इस चीज का मुद्दा ले सकता है भाई जी, पड़ोस में अगर कोई बात होती है तो सब लोग पड़ोस बैठ के बात कर सकता है, इसकी गारंटी ले सकता है। आप गारंटी, मोहल्ले वाले गारंटी लेते हैं इस बात की? मैं लेता हूँ जी, मैं लेता हूँ, यहाँ का समाज का, यहाँ का पार्षद ऋषि चौधरी सबको बुलाता हूँ, मैं एक लेटर पे लिख के दूंगा, मैं अकेले नहीं बात नहीं कर रहा मैं। आपका नाम सर? मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है जी। मेरे को नाम सुन नहीं सकता। अरुण कुमार श्रीवास्तव। कौन है जी, एक बार बताना। पड़ोसी है जी इनके, ये रहा मकान मेरा, ये इनका घर है, गली नंबर 6396। फरीदाबाद आपको बता दे कि मोहल्लावासी जो है वो लड़की पक्ष के साथ हैं और कह रहे हैं कि हम गारंटी लेते हैं, पूरी गारंटी लिखित में गारंटी देते हैं, यहाँ तक कि पार्षद की गारंटी की बात की जा रही है कि पार्षद द्वारा जो है, ऋषि चौधरी द्वारा जो है वो भी गारंटी दी जाएगी इस बात की। मैं बुला के लाऊंगा जी, बिल्कुल, यहाँ के वार्ड नंबर के 5 में आ रहे हैं, ऋषि चौधरी को मैं बुलाऊंगा, मेरा पूरा समाज आएगा। आप मतलब लड़की जहाँ साथ है क्या दिक्कत आती जी? मैं साथ खड़ा रहता हूँ, मुझे नहीं पता गलती किसकी है, मैं लड़की वालों की तरफ हमेशा। क्यों? आपको बता दे कि मोहल्लावासी जो है, आप देख रहे हैं जी, जी क्या कह रहे हैं? ये लेडी झूठ बोल रही है ना, तो सरासरा ये लेडी झूठ बोल रही है, पैसे खाए हुए हैं। सर ये बताओ कि एनजीओ की तरफ से है ये कहती है तो उन्हें दोनों तरफा फाइल वो करनी चाहिए ना सर? हाँ, हम इतने साल से रह रहे, हमें नहीं पता, हम पैदा हुए सब कुछ हुए हैं। आप यहीं पर रहते हो? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है सर, पूनम। हाँ जी सर, ये बताओ अन्याय हो रही, दो दो बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे सर, हम अपने बच्चों को खिलाए उनको करें कैसे करें? आप हमें बता सकते हो ना सर? हाँ, मान लो लड़का गायब, लड़का इन लोगों ने गायब कर रखा है, कैसे गायब कर रखा है? फरीदाबाद आपको बता दें कि मामला जो है एक लड़की का है, बहू का है, जिसको घर से बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची थी, ईवीआर जी अंदर चली गई थी इनकी बहू। इस लेडीज ने मेरे को धक्का मारा, बट आई एम प्रेग्नेंट, इस लेडीज ने मुझे भी धक्का मारा, उस लेडीज को भी, बच्चों को भी धक्का मार के ऐसे कर दिया और कह रही मुंह पर थप्पड़ मारूंगी, इससे बात करवाओ सर। हाँ, मुंह पर थप्पड़ मारेगी? मैंने मारा? नहीं नहीं, तुम मार के दिखा दे। मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं, ये ओवर बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं बोला। मेरे हस्बैंड को थप्पड़ बुलाऊं मैं? हाँ, मैं कह रही बुलाऊं, मार के दिखाओगे तुम?
है इतनी हिम्मत? फरीदाबाद आपको बता दे कि माहौल जो है थोड़ा सा यहाँ पर एनजीओ से यहाँ पर है, क्या नाम बताया आपने? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी आप मौजूद है एनजीओ से है? अरे कुछ नहीं, फरीदाबाद आपको दिखा दे कि पुलिस जो है मामले की पड़ताल कर रही है और किसकी गलती है, लड़की पक्ष की गलती है, लड़के पक्ष की गलती है, वो निष्पक्ष जांच जो है पुलिस करेगी, पुलिस का मामला है। आपको बता दे कि माहौल जो है यहाँ पर थोड़ा सा गर्माया हुआ है। तो गुजारा करना चाहिए, भगा देते घर से निकाल देते, गुजारा नहीं देता घर वाला। सास ससुर से क्या मतलब है, पति से मतलब है ना? लेकिन पति कह रहे हैं यहाँ पर है ही नहीं। पति भगा देता घर वाला, उसका बाप महतारी भगा देते हैं यहाँ से निकाल, है यहीं पर वो। हाँ कहीं भग गया, कहीं निकाल दिया है, रहता है आके रात में रहता है, इसको किराया कर दिया, किराया भाड़ा भी नहीं देता है। बताओ वो कहाँ जाएगी, बच्चे लेके कहाँ जाएगी बेचारी? बताओ इतने बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएगी? हम लोग यहीं रहते हैं। फरीदाबाद आपको बता दे मामला जो है सेक्टर 23 का है और संजय कॉलोनी का है। संजय कॉलोनी सेक्टर 23 का मामला है, यहाँ एक जो है बहू को घर से निकाला गया, ठीक ऐसा ही मामला। आपको फिर बता दे कल मेवला महाराजपुर में था, एक बहू को घर से निकाला गया था। बहू भजनपुरा दिल्ली की थी और मेवला महाराजपुर में शादी हुई थी। आपको बता दें ठीक ऐसा ही मामला आज संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में है। मोहल्लावासी इलाका वासी जो यहाँ पर इकट्ठा है और जो दोनों चीज, माँ बाप की देखो, परिवार की भी देखो ना, खर्च माँ बाप की दो, परिवार को भी दो, बच्चे हैं उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनकी शिक्षा बनाओ बढ़िया। दो बच्चे हैं जैसा कि ये बता रहे हैं, दो बच्चे हैं जी महिला। बड़ी बहू के साथ भी ऐसा कि इन्होंने, बड़ी बहू के साथ भी क्या, वो मेरे घर के पीछे ही रहती है, जस्ट मेरे पीछे ही रहती है। वो कहाँ रहती है बड़ी बहू? मेरे घर के पीछे गोला चौक, ठीक है। वो यहाँ नहीं रहती इनके साथ? नहीं, इनके साथ नहीं रहती, उसको भी भगा, उसको भी भगा। कितने साल हो गए वो अलग रह रही के भी बेटी रखती है, बेटी दामाद के साथ भी उन्होंने ऐसा किया, बेटी दामाद यहाँ। बड़ी बहू जो है वो कितने साल से अलग रहे? काफी टाइम हो गया सर, बहुत टाइम हो गया, मतलब हो गए 8-10 साल करीब हो गए। सास बहुत तंग करती है, भगा देती है, मारती है उसको। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ हम लोग यहीं रहते हैं। हम नहीं रहते हैं, हम गलत है फिर? ये लोग तो साथ रहते, सब देखते हैं ना सर, चौकी में फैसला होगा वहाँ कोई, ये वही चौकी में फिर दोबारा से बंद कर देंगे, वो बाद में कुछ फैसला नहीं होता। हमें इंसाफ चाहिए सर, आपसे दुआ मांग रहे हैं मीडिया वाले से, हमें इंसाफ चाहिए, लड़की को गस बस जाए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें हम सर, हम कह रहे किसी गली मोहल्ला से बोल लो, हम किसी मोहल्ले से बोल लो कितने करते। आप लोग कहाँ रहते हैं सर? हम रहते हैं गोची में, हम अपना, हाँ मेरी बहन है, वो सिस्टर है वो, हम कई दिन से परेशान कर रहे हैं, मकान मालिक ने ताला लगा दिया, हम कहाँ से। फरीदाबाद आप देख रहे हैं कि मामला जो है घर से बहू को निकालने का है और आज एक बार फिर संजय कॉलोनी सेक्टर 23 से हम लाइव है और आप देख सकते हैं कि एक बहू जो दो बच्चों के साथ बहू को घर से बाहर निकाला हुआ है, घर का दरवाजा जो है वो अंदर से बंद किया हुआ है और इलाकावासी जो है, देखें आप बड़ी संख्या में इलाकावासी हैं और लड़की पक्ष के लिए जो बता रहे हैं कि लड़की को अंदर करना चाहिए, लेना चाहिए, उसका हस्बैंड कहाँ है? पंद्रह साल हो गए शादी का, लड़का कहता हम तलाक देंगे। अरे पहले तुझे बोला जीता, 2 साल 1 साल पहले बोला था हम तलाक देंगे, हम अपनी बहन को कहीं और देखते। पुलिस जांच कर रही है जैसा कि बता रहे, बार बार कंप्लेन की है और पुलिस मौके पर पहुंची भी थी। जोड़ेंगे फरीदाबाद तमाम ऐसी और खबरों के साथ, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।